स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो है कि हम कैसा डाइट प्लान लें जिससे हमारा बैली फैट, हमारे पेट की चर्बी कम हो जाए। दोस्तों मोटापा और पेट की चर्बी को बढ़ने से रोकने के लिए सच तो ये है कि मोटापा कम करना खाना खाने से नहीं, ज़्यादा खाना खाने से कम नहीं होता, बल्कि अगर आप सही तरीके से खाएंगे उससे कम होता है। खाने का ठीक से ना पचना बढ़ने का प्रमुख कारण होता है। पाचन क्रिया जब ठीक ना हो तो मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स तो पैदा होंगी ही। तो दोस्तों अपने खाने पे जरूर ध्यान रखें, मोटापा कम करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है, आपने ये ठान ही लिया कि आप अपने बैली फैट को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपना वजन कम करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। वजन कम करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है पौष्टिक खान पान, नियमित रूप से प्राणायाम करना, योगा करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कम करने के, पेट के मोटापे को कैसे कम करें उसके कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही किफ़ायती हैं, असरदार हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आपको डेफिनेटली ये यूज़ करने चाहिए, तभी आपका बैली फैट कम हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले है कि हमें क्या करना चाहिए इसे कम करने के लिए। सबसे पहले सुबह का नाश्ता आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रात का खाना हल्का खाएं। खाना हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। रोजाना आपको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा स्वीट डिश से परहेज करना चाहिए, मीठे का कम करें अपनी लाइफ में। तला हुआ और मसाले वाला फास्ट फूड, इनसे प्लीज परहेज कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा कम हो। अगर बात करें पानी की, तो दोस्तों पानी को कभी भी एक घूंट में घटाघट करके मत पीजिए। पानी हमेशा वैसे पीजिए जैसे आप गर्म चाय का, गर्म दूध या फिर कुछ भी गर्म कॉफी वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंह में हर समय लार बनती है और पेट में एसिड बनता है, और जब मुंह की लार पेट में जाती है तब एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जिससे एसिड जल नहीं बनता। तो दोस्तों हमें पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों नींबू। हर रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ कर जरूर पिएं। इसके अलावा नींबू की चाय पीने से तो बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, उससे पेट की चर्बी बहुत जल्द बर्न होती है। अगर शहद की बात करें तो दोस्तों रोजाना एक गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इस उपाय से पेट से वसा घटती है और मोटापा कम होने लगता है। केला, अक्सर लोग वजन कम करने के लिए डाइट में केला नहीं खाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि केला वजन बढ़ाने के लिए होता है, पर केले में विटामिन B6, विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम और बायोटीन होता है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व होता है। जाने केले से वजन कम कर सकते हैं आप। केला वजन कम करने के लिए भी काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों कई लोग वजन कम करते वक्त अपने आहार में केले को बिल्कुल भी अहमियत ही नहीं देते। वह सोचते हैं कि केले में ढेर सारी कैलोरीज होती हैं जो वजन बढ़ा सकती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केला हमें जरूर खाना चाहिए, इससे हमें काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी को पतला होने में भी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने बातें आपको बताई हैं उनका जरूर ध्यान रखें। पानी 3 से 4 लीटर से कम मत कीजिएगा, उससे बहुत बेनिफिट्स होता है आपको, आप डेफिनेटली अपना वेट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से टिप्स के साथ, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।